थाने फर्जीवाड़ा में क्राइम बेंच की कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं राधव और द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भोपाल की इंद्रपुरी ब्रांच में हुआ करोड़ों का घोटाला, मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस का प्रबंधक शायद प्रबंधक गिरफ्तार, शाखा प्रबंधक संजय सिंह अजय पाल साहा प्रबंधक गिरफ्तार किया गया। 4 करोड़ के गबन मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 95 के जमा गोल्ड लोन में की हेरा फेरी, फर्जी ग्राहकों के नाम गोल्ड लोन स्वीकृत किया, ऑनलाइन गेमिंग की लत ने किया बर्बाद, पूरे मामले में 5 गिरफ्तार, शेष की तलाश अभी जारी है, ग्राहकों के डॉक्यूमेंट पर गलत उपयोग कर किया फर्जीवाड़ा। दरअसल पूछताछ में ये पता लगा कि मुख्यतः जो इसने पैसा ये खर्च किया है वो इसी गैम्बलिंग में खर्च किया है, जो वो ऑनलाइन गैम्बलिंग के कुछ ऐप्स होते हैं, कुछ पैसा उसमें खर्च किया है, कुछ पैसा इसने जो यहाँ पर सट्टे खिलवाने वाले लोग होते हैं या जुआ खिलवाने वाले लोग होते हैं उनके जो ऐप्स होते हैं उनमें ID बनवा के उसमें इसने जुआ खेला हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी राशि है जो इसने जुए में खर्च कर दी है और अब ये इस समय इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, इसमें मोस्टली जो राशि है वो इंश्योर्ड होती है बैंक की, तो ग्राहकों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ज़्यादातर पैसा वही है जो इसने एक्स्ट्रा लोन क्रिएट करके लिए हैं, तो उसमें ग्राहकों का हिस्सा तो बरकरार है, उसमें बहुत ही कम क्षति हुई है। कुछ एक लोन ऐसे हैं जिसमें इसने उनका जो गोल्ड इनके यहाँ गिरवी है उसको भी एक्स्ट्रा निकाल के नए लोन क्रिएट किए हैं, तो वो मुझे लगता है कि इनकी कंपनी के स्तर पे, इनके डिपार्टमेंटल के स्तर पे उसको ये लोग सुलझा लेंगे और मोस्टली जो राशि है वो इंश्योर्ड है तो वो लोगों को वापस भी कर दी जाएगी। कहाँ से बनवाए? जो बैंक में लोन लोग लेने आते हैं उनके ही डॉक्यूमेंट को दोबारा यूज़ करके उन्हीं के नाम पर एक्स्ट्रा लोन क्रिएट किए गए थे। बहुत सारे मामलों में ये भी हुआ है कि कोई व्यक्ति अपना जो लोन रीपे करने आया है तो उसको उसके खाते में ना जमा करके ये पैसे उसने खुद अपने पास रख लिए, तो दोनों तरह के ही मामले इसमें शामिल हैं। इसमें जो इनके इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं हमने उनकी भी जांच शुरू की है कि उनके स्तर पे किस तरह की हिलावाली हुई है और उस प्रकार से आगे और भी इसमें आरोपी बनाए जाएंगे। हाँ, इसमें मोस्टली जो राशि है वो इंश्योर्ड होती है बैंक की, तो ग्राहकों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ज़्यादातर पैसा वही है जो इसने एक्स्ट्रा लोन क्रिएट करके लिए हैं, तो उसमें ग्राहकों का हिस्सा तो बरकरार है, उसमें बहुत ही कम क्षति हुई है। कुछ एक लोन ऐसे हैं जिसमें इसने उनका जो गोल्ड इनके यहाँ गिरवी है उसको भी एक्स्ट्रा निकाल के नए लोन क्रिएट किए हैं, तो वो मुझे लगता है कि इनकी कंपनी के स्तर पे, इनके डिपार्टमेंटल के स्तर पे उसको ये लोग सुलझा लेंगे और मोस्टली जो राशि है वो इंश्योर्ड है तो वो लोगों को वापस भी कर दी जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई और खास खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ।